हम ऊंचे ऊंचे सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने की ख्वाहिश करते हैं, लेकिन हम कभी अपना कंफर्ट जोन छोड़ना नहीं चाहते। हम हमेशा रिस्क लेने से डरते हैं और इसलिए चाहते हुए भी अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में कोई कदम नहीं उठा पाते। क्या हम तभी उड़ेंगे जब कोई आकर हमारी डाल काट दे, अर्थात जब हमारे जीवन में समस्या आ खड़ी हो? बेहतर नहीं कि हम पहले ही उड़ना सीख जाएं? आप क्या सोचते हैं? इसको एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। कई बार हम जीवन में अटक कर रह जाते हैं। जीवन में न कुछ अच्छा हो रहा होता है न ही बुरा। यूं लगता कि जीवन की गाड़ी आगे बढ़ी ही नहीं रही है। हम जीवन से बहुत कुछ अपेक्षा करते हैं, हम बहुत आगे जाना चाहते हैं, लेकिन लगता है कि जीवन थम सा गया है। ऐसी परिस्थिति हम में से कई लोगों की होती है। चाहते हुए भी कुछ हो नहीं पाता, ऐसे में क्या करें? ये कहानी शायद आपको कुछ समझा पाए। दो तोतों की कहानी। एक बार एक देश का राजा दूसरे देश घूमने गया। उस देश में उसका बहुत आदर सत्कार किया गया। उसकी आब भगत में कोई कमी नहीं रखी गई। राजा अपनी इस खातिरदारी से बहुत खुश हुआ। जब वह वापस अपने देश आने को हुआ तो दूसरे देश के राजा ने इन्हें उपहार में दो तोते दिए। दोनों तोते दिखने में एक समान थे। तोतों को लेकर राजा खुशी खुशी अपने देश वापस आ गया। वापस आकर उसने उन तोतों के रहने की व्यवस्था शाही बाग में करवाई। बाग के बीचों बीच स्थित पेड़ की डाल पर तोतों के रहने के लिए एक पिंजरा लटकाया गया। तोतों को उड़ना सिखाने के लिए एक प्रशिक्षक रखा गया। 10-15 दिन तक प्रशिक्षक रोज आता रहा और तोतों को उड़ाना सीखता रहा। एक तोते ने तो बहुत जल्दी उड़ना सीख लिया, लेकिन एक तोता लाख सिखाने के बाद भी उड़ना नहीं सीख पाया। जब राजा ने प्रशिक्षक को बुलाकर तोते के बारे में पूछा तो प्रशिक्षक ने सारी बात बता दी। महाराज, एक तोता बहुत जल्दी सब कुछ सीख गया है। वह तो राजमहल से भी ऊंचा उड़ने लगा है, लेकिन दूसरा तोता कुछ सीखने को राजी ही नहीं है। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन वह पेड़ की एक डाल पर बैठा रहता है, उड़ता ही नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। राजा चाहता था कि दोनों तोते अच्छी तरह से उड़ना सीख जाएं। उसने अपने मंत्रियों से मंत्रणा की और मंत्रणा उपरांत दूसरे तोते के लिए एक अन्य प्रशिक्षक की व्यवस्था की, किंतु दूसरा प्रशिक्षक भी उस तोते को उड़ना नहीं सिखा पाया। इस तरह कई प्रशिक्षक आए, लेकिन कोई भी दूसरे तोते को उड़ना नहीं सिखा पाया। राजा ने फिर से मंत्रियों को बुलाया और दूसरे तोते को उड़ना सिखाने के उपाय के बारे में मंत्रणा की। इस बार मंत्रियों ने गांव के एक ऐसे व्यक्ति को बुलाने का परामर्श दिया जिसे तोते के स्वभाव के बारे में अच्छी पहचान थी। उस व्यक्ति को बुलाया गया। जिस दिन व्यक्ति आया उसी दिन से दूसरा तोता भी उड़ने लगा। जब राजा तक ये खबर पहुंची तो दूसरा तोता उड़ रहा है और वो भी पहले तोते से भी ऊंचा, तो वह खुश हो गया। उसने फौरन उस व्यक्ति को बुलवाया और उससे पूछा, तुमने आखिर ऐसा क्या किया कि इतने दिनों से पेड़ की डाली से टस से मस न होने वाला तोता उड़ने लगा? व्यक्ति ने उत्तर दिया, महाराज, मैंने वह डाली ही काट दी जिस पर वह तोता बैठा करता था। इस कहानी से सीख मिलती है कि जब कोई आकर हमारी डाल काट दे, तभी हमें, जब कोई जीवन में समस्या आ खड़ी हो, तभी हमें उस समस्या को सुलझाने का काम नहीं करना चाहिए। हमें उससे पहले ही उस काम को सीख जाना चाहिए, यानी कि हमें अपने कंफर्ट जोन को छोड़ देना चाहिए और हमेशा रिस्क लेने से डरना नहीं चाहिए।